तो हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बनाना सीखने वाले हैं ये आई ग्लो इफेक्ट। और पहली बात तो ये मेरा बहुत टाइम के बाद और इस चैनल पे पहली बार एक वॉइस ओवर वीडियो है। डोंट वरी, जो बंदे हिंदी नहीं समझ सकते उनके लिए सबटाइटल यहाँ पे लिख दूंगा मैं। ये देखो, ओरिजिनल क्लिप ये है। इसको थोड़ा ये टच दिया है, एक जो मैंने वोटिंग दी थी वो इसी के लिए थी। और एक आई स्टार का भी आएगा आगे ट्यूटोरियल, तो सब्सक्राइब कर लेना अगर मिस नहीं करना चाहते उसको। तो इसको बनाने के दो तरीके हैं। फर्स्ट है मास्किंग। आप इस आई को, एक सेकंड, आप इस आई को ऐसे मास्क कर सकते हो और फ्रेम बाय फ्रेम जाके मास्क करना पड़ेगा, मतलब जो मूवमेंट है वो ही। और एक ईजी वे जो मेरे को लगता है और जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, वह है रोटोस्कोप। इसको करने के लिए पहले तो आपको आपकी क्लिप के अंदर जाना पड़ेगा, जैसे कि मेरी ये है। अब इसको बनाने के लिए मैं करता ऐसे हूँ कि पहले सबको डुप्लीकेट कर लिया, ऊपर रख के ये आई वाली हो गई ऊपर वाली, ठीक है। तो रोटोस्कोप लिया, फुल क्वालिटी रखनी है और इसका डबल क्लिक करके अंदर जाना, ऐसे करके रोटोस्कोप कर लेना। ये करने के बाद आपको इसको अच्छे से रिफाइन करना है, मतलब इसके एजेस वगैरह को। मैं आपको एक ही लेयर का करके दिखाऊंगा, ये सब नहीं। अगर जैसे मान लो ये वाला है, अगर इसको ऐसे करके करूँगा तो ये अंदर ये आ जाएगा, तो इसका ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक जो इफेक्ट है डीप ग्लो वो इस एजेस को ठीक कर देगा। तो आपको पहले एक बार मैं अच्छे से रिफाइन करके दिखाता हूँ। हाँ, तो आपको गाइस ये डिफरेंस पता नहीं चल रहा होगा आईज़ का, तो मैं पिछली वाली लेयर ऑफ कर देता हूँ, तो ये हमारी आईज़ मास्क हो गई हैं। तो इसी सेम तरीके से जितनी भी क्लिप्स हैं इसमें आपको उन सबको मास्क करना है। मैंने सिर्फ यही वाली करी है क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट एक पहले ही मास्क करके रखी हुई है, तो ज़रूरत नहीं। इसको अब आपको बाहर लेके आना अपने मेन टाइमलाइन में, जैसे मेरी ये है मेन वाली। गाइस एक चीज़ याद रखना, इस लेयर को ऊपर से पकड़ना है और नीचे तक सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कंट्रोल एक्स के साथ इसको कट करना है और बाहर वाली लेयर में जाके पेस्ट कर देना है, और उसके बाद में प्री कंपोज कर दो। प्री कंपोज करने के बाद आपको ये लेयर मिल जाएगी, उसके अंदर ट्विक्स्चर डाल के सेम, मतलब जो आपने इस क्लिप के साथ करा सेम वैसा करना है। और इसके जो आपने टाइम रिमैप करा होगा का सेम कॉपी करके इसके ऊपर डाल देना, इसको सेम लेंथ वगैरह करके, तो आपको सेम वैसी क्लिप मिल जाएगी। तो अब इसमें जो इफेक्ट्स डालने हैं वो है एक शाइन, एक फिल और एक डीप ग्लो। शाइन से इसका आईज़ की रेज बाहर आएंगी, फिल से कलर आप सिलेक्ट कर लोगे जो कलर आपको सिलेक्ट करना है, और डीप ग्लो से जो आपने आईज़ मास्क आउट करी है वो या तो कोई भी चीज़ आपकी वो मर्ज हो जाएगी बैकग्राउंड के साथ। डीप ग्लो की सेटिंग आप छेड़ के देख सकते हो, चेंज करके देख सकते हो। मैं करता नहीं, मेरे लिए डिफ़ॉल्ट ही बेस्ट रहती है। और यहाँ पे जो सीन के लिए आपको जैसे लाइट को मूव करना है, जैसे यहाँ पे मूव नहीं कर रही है, मूव करने के लिए ये सोर्स पॉइंट जो है इसको पहले ई फ्रेम लगा लो एक, तो बाद इसको ऊपर कर दो। जैसे यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लाइट आ रही है, ऊपर जा रही है, मैंने ऐसा ही दिखाना है कि ये लाइट यहाँ से ऊपर गई। तो मैं लास्ट लेयर पे आ गई, इसको नीचे कर दूंगा, यहाँ से लाइट ऊपर चली जाएगी। तो अब बारी है उसको ग्राफ देने की। तो अगर आप ग्राफ अब जो देना है वो आपकी पिछली लेयर के साथ ही मैच करेगा, जैसे आपकी बैकग्राउंड वाली जो लेयर है उसको आपने फास्ट ग्राफ दिया है, फास्ट से स्लो वाला, तो उसमें वही जाएगा। अगर आपने स्लो फास्ट स्लो वाला दिया तो उसमें वो जाएगा, वो अब आपके ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरी वाली लेयर का स्लो है तो मैं स्लो दूंगा। बस इफेक्ट में यही था और कुछ कॉम्प्लिकेटेड था नहीं। तो चलो बस आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही था। अगला ट्यूटोरियल आएगा मेरे ख्याल से आई स्टार का, तो हाँ उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। और बस बाय बाय।